हेलो दोस्तों, ये देखिए, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि ये बैटरी मेरे पास रिपेयर के लिए आई थी ये, और तब ये ओपन नहीं थी। अभी आप देख सकते हैं ये ओपन है, और इसमें लगभग 33-140 जैसे ही सेल डाले हुए हैं। इस प्रकार के इसमें ये क्या हुए थे, सेल डाले हुए थे, और ये सेल यहाँ पे देखिए ये फट गया था यहाँ से। और इसमें लेकिन अभी वोल्टेज आ रहा है और कैपेसिटी ज़्यादा नहीं आई थी, इस पर काफ़ी कम आई थी। इसके हमने एक सेल इस पर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने वेल्ड स्पॉट वेल्डिंग करके सोल्डरिंग कर दिया रहा। और ये वाले सेल में अगर यहाँ से उखड़ जाता है तो इसमें क्या हो सकती है, दोबारा सोल्डरिंग वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको थोड़ा तो बहुत ध्यान से हमको उखाड़ना पड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सोल्डरिंग किया है, और सेम यहाँ किया है दूसरे साइड पर भी ऐसे ही सोल्डरिंग किया है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन ये परफेक्टली बन गया। इस पर हमने डाला हुआ है कि ये वाले सेल देख रहे हैं आपको, ये 33, 32, 140 का हमारे पास क्या लगा हुआ है, 48 वाट आवर का ये सेल, 15 AH का हमने इस पर लगाया हुआ है। इसमें 30 एम्पेयर की बैटरी रही, और इसमें लगभग 20 से 21 एम्पेयर के आसपास क्या हुई, इसकी कैपेसिटी निकल के आई है आफ्टर रिपेयर। और इसमें अब ये बैटरी पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन पे है, और एक इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखने में आप दिखा देता हूँ, ये इसमें आप इसको देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अभी। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये, तो इस सेल का जो लिक्विड था वो लीक होके सारे सेल में गया, तो इस कारण से यहाँ पे ये सेल था तो लीक होके आजू बाजू वाले सेल में फैला हुआ है। तो ये आप इसको देख लीजिए, और इस प्रकार का इसमें ये सेल लगा हुआ था और बैटरी बन गई है। और आप में से अगर आप किसी को बैटरी बनवानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाले सेल में बनवाएं। इसमें हमने 2 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो गया, और हमारे पास सिर्फ अभी एक कंडीशन में बैटरी रिपेयर होने के लिए आई है, ये वाली 2 साल से जो बैटरी हमने दी हुई है वो रिपेयर होने के लिए भी नहीं आई है। रिपेयर होने के लिए एक बैटरी आई थी, उसमें भी सिर्फ वाटर डैमेज हुआ था, इस कारण से ही वो बैटरी रिपेयर होने के आई थी। बाकी उसके अलावा हमारे पास कोई भी बैटरी रिपेयर होने के लिए नहीं आई है। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि इससे अगर आप बैटरी बनाते हैं, इससे या और 1850 से नहीं, HLY के 26650 वाले सेल से अगर आप बैटरी बनाते हैं, 5 AH के, ये 15 AH के सेल से, और 5 AH के सेल से अगर आप बैटरी बनवाते हैं, LFP में 15 AH के सेल से, और NMC में 5 AH के HLY के सेल से अगर आप बैटरी बनवाते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे भी हम चलते हैं आगे। ये हमारा कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो भी बैटरी हम कई सालों से रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे इसके सेल क्या है, बहुत सारे ख़राब रहते हैं, और BMS वगैरह जो ख़राब रहते हैं उनका हमारे पास अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली जो भी सेल रखे हुए हैं वो क्या है, 32650 है और 18650 है। 26650 आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आपको कोई भी सेल 15 AH का देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारे पास आती रहती हैं बैटरियाँ रिपेयर होने के लिए, बहुत सारी बैटरियाँ जो रिपेयर होती हैं, और इन सब के क्या है, ख़राब सेल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बस मेरे को आपको ये दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि इससे अगर आप बैटरी बनवाते हैं तो इसकी बैटरी की लॉन्ग आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहने वाली है कंपेयर टू 6 AH सेल। और अगर आप प्रिस्मेटिक से बैटरी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उससे अच्छी बैटरी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।